नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटेटिव इंग्लिश विद अश्विन सर पे। मैं आपको याद दिला दूं कि हम डिटरमाइनर्स पढ़ रहे हैं। डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। अभी तक डिटरमाइनर्स के 3 लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आ नंबर ता नंबर के बीच के डिफरेंसेस बताए हैं, फ्यू आ फ्यू दा फ्यू के डिफरेंसेस क्लियर किए हैं, और लिटिल आ लिटिल दा लिटिल के भी डिफरेंसेस क्लियर किए हैं। ये फोर्थ सेशन होगा, और आज के इस सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि कहाँ पर हमें मच का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर हमें मेनी का यूज़ करना चाहिए। चलिए शुरू। जो बेसिक डिफरेंसेस हैं मच और मेनी में, वो इसी स्लाइड में गिवन है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस स्लाइड को देखिए। लिखा हुआ है कि मच के बाद SUN यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए, और मेनी के बाद PCN यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। थोड़ा सा सरल शब्दों में आपको मैं समझाऊं तो मच के बाद वो नाउन आया जो अनकाउंटेबल होता है, और मेनी के बाद वो नाउन आया जो प्लूरल है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि मेनी रिवर्स, मेनी बुक्स, ये दोनों एग्जाम्पल्स मेनी के हैं। मेनी रिवर्स मेनी बुक्स, रिवर्स और बुक्स काउंटेबल हैं और साथ ही साथ प्लूरल है, इसलिए मेनी का यूज़ किया गया है। जब आप रिवर्स की जगह वाटर लगा देंगे तो वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मच लगा दिया गया है। सिमिलरली बुक्स की जगह जब आप नॉलेज लिखेंगे तो नॉलेज को तो गिना नहीं जा सकता, चूंकि गिना नहीं जा सकता तो ये भी अनकाउंटेबल हुआ, और इसी वजह से नॉलेज के पहले मच लगाया गया है। हाँ, हमने मच और मेनी को उनके एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल कहता है, देयर आर मेनी बुक्स वर्थ रीडिंग इन दिस लाइब्रेरी। वर्थ रीडिंग का मतलब है पढ़ने योग्य, यानी कि अर्थ हुआ कि इस लाइब्रेरी में पढ़ने योग्य बहुत सारी किताबें हैं। चूंकि बुक्स प्लूरल है, इसीलिए देखिए मेनी का इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, दिस सेशन शैल हेल्प यू गेन मच नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब राजनीतिक मामले, और सेशन का मतलब किसी भी प्रकार का कोई लेक्चर, कोई क्लास, कोई कक्षा। तो इसका हिंदी अनुवाद है कि ये जो सेशन है, ये जो क्लास है, ये आपकी मदद करेगी राजनीतिक मामलों के बारे में ठीक ठाक अच्छी खासी जानकारी हासिल करने में। अगर हम पहले एग्जाम्पल में जहाँ बुक्स के पहले मेनी लिखा हुआ है, यदि मच लगा दें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक्स प्लूरल नाउन है तो मच नहीं आना चाहिए। और सिमिलरली अगर सेकेंड एग्जाम्पल में नॉलेज के पहले जहाँ मच लिखा हुआ है वहाँ मेनी लगा दिया जाए तो ये भी गलत हुआ जाएगा। याद रखें आप सभी लोग कि ऐसी गलतियों से ही आपको बचना है, ऐसे ही क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। आप सभी ध्यान से देखें, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जाएगी आपको कि मच और मेनी इनकी डिग्रीज क्या होती हैं, इनकी कंपेरेटिव फॉर्म्स क्या होती हैं, और इनकी सुपरलेटिव फॉर्म्स क्या होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिटरमाइनर्स आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की एक प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी होती है कि उसकी डिग्रीज होती हैं पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। तो मच और मेनी की भी डिग्रीज हैं, मच और मेनी पॉजिटिव हैं, आगे उनकी डिग्रीज लिखी हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि चाहे मच हो या मेनी हो, दोनों का ही कंपेरेटिव फॉर्म मोर है और दोनों का ही सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट है, यानी कि मोर और मोस्ट ये कॉमन है मच और मेनी के लिए कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में। नीचे जो दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन एग्जांपल्स में ये बताया जाएगा आपको कि जो मोर या मोस्ट आप किसी सेंटेंस में देख रहे हैं उसका पॉजिटिव फॉर्म कब मच होगा और कब मोर होगा। बेहद सरल होगा। शुरू करते हैं, पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, द इंडियन कंटिंजेंट। मैं आपको शुरू में बता दूं कि जब प्लेयर्स भारी संख्या में किसी बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जाते हैं तो उनका अपना एक दल होता है, और उस दल को ही कंटिंजेंट कहा जाता है इंग्लिश में। पर फिर से पढ़ते हैं एग्जाम्पल को, द इंडियन कंटिंजेंट इज होपफुली एक्सपेक्टेड टू विन मोर मेडल्स एट ओलंपिक्स दिस टाइम। ये कहा जा रहा है कि उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो भारत की तरफ से खिलाड़ियों का दल जाएगा वो ओलंपिक्स में, वो इस बार अधिक मेडल्स जीतेगा। ध्यान से देखिए, मेडल्स के पहले जो मोर लगा है इसका पॉजिटिव मीनिंग होगा। क्यों? क्योंकि मोर के बाद मेडल्स गिवन है, और मेडल्स
प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ, उम्मीद है समझ में आया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, वी नीड मोर मटीरियल एविडेंस टू कम टू अ कंक्लूजन इन दिस केस सेड द जूरी। ये एक डायरेक्ट में लिखा गया सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया सेंटेंस है, जिसमें जो मटीरियल एविडेंस वर्ड इस्तेमाल हुआ, ये लीगल तरीका है लिखने का कि एविडेंस जो तर्कपूर्ण हो उसके पहले मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक ऐसा सबूत जिसके आधार पर किसी फैसले को लिया जा सके, जिसकी जो रियल हो, जिसकी ऑथेंटिसिटी हो एक तरीके से। आगे लिखा हुआ कम टू अ कंक्लूजन, कम टू अ कंक्लूजन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक नतीजे तक पहुंचना। तो जूरी ने ये कहा कि हमें इस केस में नतीजे तक पहुंचने के लिए और अधिक मटेरियल एविडेंस की, और अधिक पुख्ता सबूत की ज़रूरत है। अगर आपने नाउन चैप्टर क्लियर किया हो, ना पढ़ा हो, तो आप अपनी बुक से नाउन चैप्टर को, नोट से नाउन चैप्टर को देखें, तो उसमें पाएंगे कि जो लिस्ट है अलग-अलग बुक्स में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स की, उसी में एविडेंस भी दिया हुआ है। एविडेंस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो अब जब एविडेंस के पहले मोर लगा है, तो ये मोर मेनी का तो हुआ नहीं, ये मोर मच का हुआ। तो क्या आपने सीखा कि पहले एग्जाम्पल में जहाँ पर मेडल्स के पहले मोर है उसकी पॉजिटिव फॉर्म मेनी है, क्योंकि मेडल्स प्लूरल नाउन है, और जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें जो मटेरियल एविडेंस के पहले मोर लगा हुआ है उसका पॉजिटिव फॉर्म मच होगा, क्योंकि एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ एक सेंटेंस है जिसमें मच और मेनी दोनों को एक साथ यूज़ किया गया है। ये सेंटेंस कभी एनडीए में पूछा गया था। आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइस। सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस कह रहा है, हाउ मेनी वर्कर्स एंड वर्क आर लेफ्ट बिफोर वी कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है काम को रोकना, कार्य का स्थगन करना, बैग उठाकर घर चले जाना। कोई कंपनी का ऑफिसर ये पूछना चाह रहा है कि घर चलने से पहले ज़रा ये बताओ कि अभी कितने वर्कर्स बचे हैं फैक्ट्री में और कितना काम बचा है। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसमें जो दो नाउन आए हैं वर्कर्स और वर्क, उनके नेचर अलग अलग हैं। वर्कर्स जहाँ एक तरफ प्लूरल नाउन है, वहीं दूसरी तरफ वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। प्रॉब्लम ये हुई है कि वर्कर्स के पहले मेनी लगा है, जो कि ठीक है क्योंकि वर्कर्स प्लूरल है और मेनी प्लूरल नाउन के पहले लग जाता है, लेकिन वर्क के पहले मच का यूज़ नहीं किया गया है, जो कि गलत है और यूज़ होना चाहिए। ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि मेनी वर्कर्स से भी रिलेट करेगा और वर्क से भी रिलेट करेगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। मेनी प्लूरल नाउन से रिलेट कर सकता है, लेकिन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से रिलेट नहीं कर सकता। तो जब हम इसे करेक्ट करेंगे, तो जैसे हमने वर्कर्स के पहले मेनी का यूज़ किया है, सिमिलरली हमें वर्क के पहले भी मच का यूज़ करना चाहिए। हाउ को भी आपको दो बार रखना चाहिए, क्योंकि आप सवाल भी तो दो ही बार कर रहे हैं कि कितने वर्कर्स और कितना काम। तो करेक्ट फॉर्म ये होगी कि वर्कर्स के पहले भी मेनी लगाया जाए और वर्क के पहले भी मच को लगाया जाए। राइट सेंटेंस को पढ़ते हैं, हाउ मेनी वर्कर्स एंड हाउ मच वर्क आर लेफ्ट बिफोर वी कॉल इट अ डे। अब एक नीचे और सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, ये एक करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर दोनों बार सेम टाइप ऑफ नाउन आ जाए, जैसे कि देखिए वर्कर्स लिखा है हुआ है विच इज़ प्लूरल, और इंजीनियर्स लिखा हुआ है आगे जाके विच इज़ ऑल्सो प्लूरल। अब चूंकि वर्कर्स और इंजीनियर्स दोनों प्लूरल हैं, सेम टाइप ऑफ नाउन है, तो हाउ मेनी एक बार लगेगा और दोनों से रिलेट कर लेगा। तो जो ये सेंटेंस है, हाउ मेनी वर्कर्स एंड इंजीनियर्स आर लेफ्ट बिफोर वी कॉल इट अ डे, ये एक सही सेंटेंस है। उम्मीद है समझ में आया है। जहां पर वर्कर्स और इंजीनियर्स लिखा हुआ है, अगर वहां पर दो अनकाउंटेबल नाउन आ गए होते, ध्यान से सुनिएगा, वर्कर्स और इंजीनियर्स की जगह अगर दोनों तरफ अनकाउंटेबल नाउन आ गया होता, तो हमने हाउ मच का यूज किया होता एक बार, और वो भी सेंटेंस करेक्ट होता। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरा सहयोग प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप अश्विन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को भी
सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे दिख रहा है अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत जल्द डेली वोकैबुलरी और स्पीड टेस्ट का भी डिस्कशन कराया जाएगा, जिसके लिए आप सभी के पास जो PDF होना चाहिए वो PDF टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड किया जाएगा, और उसको जब आप स्टडी कर लेंगे तो उसके वीडियोस डिस्कशन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। कैसा लगा आपको ये सेशन? हो सके तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और अप्रिशिएट करें ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं और सेशंस को शूट करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।